उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दो गुटों के बीच हुआ जमकर बवाल, 20 सड़क पर चाकू और सरिया से लोग हुए लहूलुहान। उत्तर प्रदेश के बरेली में सरेआम फायरिंग से दहशत, बिल्डर के गुर्गों ने रोड डिवाइडर पर चढ़ाकर कई राउंड फायरिंग की, इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस वाले सस्पेंड, एनएसए गैंगस्टर के तहत कार्रवाई के आदेश। उत्तर प्रदेश के एटा में पार्टी में युवक ने हर्ष फायरिंग की, फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उधर बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में कंस्ट्रक्शन साइट पर दो पक्षों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, 100 से ज्यादा बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। उत्तर प्रदेश के मऊ में बदमाश अभिमन्यु ठठेरा के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहा था यह बदमाश। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दुष्कर्म का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ, मुठभेड़ में पुलिसकर्मी भी हुआ जख्मी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर की फायरिंग, संदिग्ध हमलावर सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दबंगों ने लाठी डंडों से की युवक की पिटाई, दबंगई का वीडियो हो रहा है वायरल। उत्तर प्रदेश के गोंडा में युवक का रूस में मर्डर, विदेश राज्य मंत्री और गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह की कोशिशों के बाद शव पहुंचा गांव, रूस में कंपनी में काम करता था मृतक। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ग्राम प्रधान के परिवार पर दबंगों ने किया हमला, हमले में ग्राम प्रधान और उसके भाई समेत परिवार के कई सदस्य हुए जख्मी। हरियाणा के फरीदाबाद में नशे में धुत कार ड्राइवर की गुंडागर्दी आई सामने, कागजात मांगने पर ट्रैफिक पुलिस को घसीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद में साइबर ठगी में नाइजीरिया युवक हुआ गिरफ्तार, डॉक्टर से की थी 3 लाख रुपए की ठगी। यूपी के जौनपुर में पेंट की दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, लाखों का पेंट जलकर खाक।